बीज का बड़ा मुद्दा इसलिए भी है कि बीज एक जीवन है। बीज में एक बीज कोई एक तरह से व्यापार की चीज़ नहीं है। बीज को हम कोई किसी फैक्ट्री में नहीं बना सकते हैं। और ये जो हजारों साल से जो बीज चल के आए ये ज़्यादा कारगर हैं, बजाय जो हाइब्रिड बीज आते हैं या आज जीएम बीज आ रहे हैं, ये एक तरह से पारंपरिक बीजों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और अगर किसान के हाथ से बीज गया तो समझो किसान की आज़ादी भी गई। और आज सबसे पहले किसान के हाथ से बीज छीना जा रहा है। मेरी शादी, मेरी शादी को तो कितने साल हो गए। मैं उस समय, अब आप लगा लो, मैं 13 साल की थी जब मेरी शादी हुई। तो अभी तो मैं 72 साल की हो गए ना, तो इतना साल हो गए मेरी शादी को। तो छोटे छोटे से पहले थे तो माँ बापों की याद भी आती थी, और तो यहाँ काम भी करना पड़ता था। जब काम करते करते कभी कभी नींद भी आ जाती थी तो ऐसे चलते चलते पहले सुबह उठ के कूट के आके फिर वह पानी नीचे, वो जंगल है जो नीचे वाला पानी, वहाँ से पानी लाना। फिर पानी ला के 11 गाय भैंस बैलों का गोबर साफ करो, वो टोकरी में सिर में उठा के खेत में ले जाओ। खेत में डाल के कभी कभी जो जितना खेत है हमारे इधर, हमारे ससुरालों सब, हमने ये गैंती फोड़ा होता है ना, इससे खोदा तब खेत बनाया। अंधेरे में फिर अपने घर आते थे, घर आके फिर रोटी बनाओ, खा पी, बड़ा परिवार है उनको खिला पिला के फिर बर्तन उर्तन साफ करके तो 2 घंटा सोना मिलता था। फिर पानी के लिए जाओ, फिर गोबर साफ करने जाओ, फिर ये करो से करो, फिर कूटने जाओ। तो ऐसे काम चलता था, कभी खाने पीने को भी नहीं होता था तो वह एक चलता था। कभी थोड़ा सी दो करछी भात रोटी झंगोरा ये कुछ भी खा लो, बाकी चलो खेत में। महिलाओं को ज़्यादा ही परेशानी है, पुरुषों को तो कम है पर महिलाओं को ज़्यादा ही है।
गांव के सब महिलाएं खेती में जुड़ी हैं, किसान लोग हैं। किसानी खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? हमारा तो गुजारा वही है, खेती से थोड़ा बहुत जो कुछ मिल गया तो खेती से, नहीं तो मिन्थ मजूरी करेंगे। और हमारा चारा क्या है यहाँ गाँव में पहाड़ों में? हमारी ज़िंदगी ठीक थी ज़िंदगी। खाना खाते थे, पीते थे, कमाते थे, खेती होती थी, साधारण खाना था। सुने ये गोभी फोभी अलना फलाना टमाटर वगैरह ये कुछ नहीं जानते थे उस समय के लोग। तो उस समय खेती करते थे, सब कुछ करते थे, उनका अपना खर्चा कम था। एक कमीज लगाते थे और एक लंगोटा यहाँ पर लंगोटा, समझे? ये लोगों का रहन सहन था उस समय के लोगों का। खेती पशुपालन और जंगल से जुड़ा हुआ है। जंगल से पशु के लिए चारा भी आएगा और पानी भी आएगा, क्योंकि जहाँ जंगल है वहीं पानी के स्रोत हैं। तो पशु चारा खाते हैं, उसके बाद गोबर देते हैं। तो एक तरह से गोबर फिर हमारी खेती में खाद का काम करता है। तो ये पूरा एक सिस्टम है जो हमारा दिनचर्या के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे गढ़वाल में तो पहाड़ में तो महिलाएं ही बीज का रखती हैं संरक्षण। तो अपने ससुराल से मायके से मतलब बीज का आदान प्रदान ही होता था, इतना ही होता था। बाहर के तो कोई बाहर खरीदने की तो कोई बात ही नहीं थी, और बीज बड़े खरीदते भी नहीं थे। केवल आदान प्रदान होता, भाई बहू आई है तो अपने मायके से ले आई है, बेटी ससुराल जा रही है अच्छा बीज है तो अपने मायके से ससुराल ले जा रही है, इतना ही होता था। यहाँ पर सिंचित भूमि बहुत कम है, मुश्किल से 15%। उसके अलावा शेष जो है जितना भी है वो सब असिंचित जो भूमि है वो आसमान की बारिश पे निर्भर है। और यहाँ पर खेती करने के जो तौर तरीके हैं वो सब या तो महिलाएं करती हैं, थोड़ा बहुत पुरुष भी करते हैं। और जहाँ तक खेती में हल चलाने की बात हो, यहाँ पर बैलों से उसका बैल इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि मैदानों में तो ट्रैक्टर है और दूसरी सारी बहुत सारी चीज़ें। यहाँ का मुख्य व्यवसाय तो शुरू में पशुपालन ही था। पशुपालन में पशु का व्यापार होता था, भैंस का खरीद फरोख्त होता था, बैलों का होता था, गायों का होता था, बकरियों का होता था। क्योंकि यहाँ पर किसान में बकरी भी पाल रहा है तो भेड़ भी पाल रहा है, गाय भी है, बैल भी है, भैंस भी है। बारहनाजा खेती की एक ऐसी पद्धति है जिसमें 12 तरह के अनाज का एक खेत में मिश्रित रूप से उगाए जाते हैं। हमारे लिए जितना एक किसान को या एक व्यक्ति को जितना पोषण के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें बारहनाजा में उगाई जाती हैं। वो गरीब आदमी भी है जो बाहर से खरीद के नहीं खा सकता है, उसके पोषण के लिए सारी की सारी चीज़ें बारहनाजा में मिल जाती हैं। Thank you.
पहले तो ऐसे थे कि चाहे कितनी भी भैंस थी, कितनी गाय थी, पहले लोग हमारे यहाँ के लोग दूध नहीं बेचते थे, सब बेचने की जानते ही नहीं थे। और अब तो आधा किलो भी भैंस दूध देगी तो सीधा बेचेंगे लोग, हैं। तो क्या हो गया, इतना बदलाव आपको, आप बदलाव आ गया? और क्यों आ गया बदलाव? बदलाव ये प्रकृति जो है ना, देखा देखी सीखा सीखी, जब हवा चलती है ना तो सब पेड़ पे लगता है, हर चीज में लगता है, ऐसा ही हो गया है ना। अब पहले ऐसा था कि लोग बाग पैसे भी कम थे, पैसे नहीं थे पहले तो लोग ध्यान पशु पे और खेती पे ध्यान देते थे, नौकरी नहीं करते थे, तो इसलिए जो है पहले का लोग अगर रोटी दो खा ली और दो एक किलो दही पी ली तो समझो कि वो मस्त बन गया, पेट भर गया है ना। और आप कहाँ से खाएं? जब से ये पैसे का रुपया का है ना दखल हुआ है जीवन में सारे उसमें ना, पहले नहीं था, मतलब पहले तो यहाँ की आवश्यकताएं बहुत कम थी, लोग स्वयं जो हैं वो ऋषिकेश जा करके जो न्यूनतम आवश्यकताएं थी वो ले आते थे अपने घी दे करके या थोड़ा बहुत पैसों से भी। लेकिन जब जीवन के हर क्षेत्र में जो है पैसे का रुपये का दखल हो गया कि बिना उसके संभव नहीं है, जो विकास के नाम रखे ये या शिक्षा हो गया जो भी हो गया ना, इस कारण से जब पैसे के लिए जो है बाहर जाना हुआ। पहले के लोग तो ऐसे थे, उनमें प्यार प्रेम था, भाई बंदी थी। आपके लोगों में प्यार प्रेम नहीं है और भाई बंदी नहीं है। अब तो पैसा काम करता है, जहाँ भी जाओ पैसा काम करता है। अब भाई बंदी नहीं चलती है गांव में, तो गांव बदल नहीं गया, इंसान भी बदल गया, गांव भी बदल गया, बोली भाषा भी बदल गई है। पहले देखो तो हर इंसान के पास बैल रहते थे, तो जिसके पास बैल नहीं चलो उसके साथ मदद कर लो, उसके हल जोत लो। अब कौन जोतेगा ऐसा? अब तो वही है, जब तक किसी ने दिया नहीं तब तक खेत में बैल ले जाएगा किसी का, बैल बहुत कम हो गए ना इसलिए। किसान की खेती एक तरह से बिना लागत की थी एक ज़माने में, और या कम लागत की थी। अब सारी चीज़ें लागत ही लागत बढ़ रही हैं खेती के लिए। वो लोग कहते हैं कि आपको बीज भी बाहर का हो गया, खाद की बाहर की हो गई, और नए बीज आए हैं तो उनके साथ एक तरह से दहेज में बीमारियां भी आ जाती हैं, तो कीटनाशक भी उनके हो गए, तो कीटनाशक आए और फिर नए बीज आए तो उनके साथ खरपतवार भी आ गए, तो खरपतवार के लिए वो फिर कीटनाशक या खरपतवार नाशी देना शुरू करते हैं। यानी हर जगह जो है खेती पर लागत बढ़ती जाती है, सारी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। सारी 500 रुपये की एक पैकेट आती है सब, और कोई 600 रुपये भी आ जाती है, तो कोई मतलब थर्ड क्वालिटी की होती है 250-300 की, तो वो तो हम दर्शक का किराए का खेत है, इसलिए हम जो है महंगी बीज लेके उसको बो देते हैं, तो हमको राशन भी उधार खाना पड़ता है, तो बाद में हमको कोई कुछ मंडी वाले को देना पड़ता है, कुछ राशन वाले को, और ये दवाई और खाद ये आजकल हमारे पास पैसा नहीं होता है, ये भी हमको उधार लेना पड़ता है। यानी पहाड़ की कहावत है, अपना आलू बाजार बेचार बिराना आलू ठोपड़ा थे जा। अब आप ही देखो ये कहाँ का नियम है कि किसान खेती कर रहा है और अपने खाने के लिए पैदा ना करे। एक पेटी में 20-22 किलो टमाटर आते हैं, 15 रुपए की एक पेटी पड़ती है, और यहाँ से गाड़ी का खर्चा खुर्चा लगा ज्वालापुर ले गए 25-26 रुपए में पेटी जा रही वहाँ। अब किसान क्या करे, वो दम तोड़ देगा। रेट सही हो गया तो ठीक है, रेट नहीं हो तो जो खेल दिया। खेत वालों को पहले एडवांस देने पड़ते हैं थोड़ा थोड़ा। पुरानी फसलों से अगर बहुत ज़्यादा फायदा हमारा नहीं हो रहा है तो बहुत ज़्यादा घाटा भी नहीं हो रहा है, और नकदी फसलों पे यदि हमारी निर्भरता बढ़ गई तो कहीं ना कहीं हमें जो है अपने
हमारी जो आत्मनिर्भरता है, किसान की जो आत्मनिर्भरता है, वो पूरी तरह जो है ख़त्म हो जाएगी। बीज बचाओ आंदोलन के मुद्दे तो यही हैं कि जैसे खेती में एक जो बदलाव आया, बीज बचाओ आंदोलन मूलतः वैसे कैश क्रॉप के खिलाफ है। अगर सारी खेती एक आदमी को ठेके पर दे दो और वो खेती करेगा और हम उसके मजदूर बन जाएंगे। एक सेज भी आ रहा है कि सारी जमीन को सरकार एक्वायर कर देगी और किसी बड़े मालदार को, किसी बड़े पूंजीपति को भेज देगी, लीज में दे देगी और हमारे लिए कहेगी आप पैसा, थोड़ा पैसा ले लो, लेकिन उससे भी हम उजड़ जाएंगे। और तीसरी बात है कि अगर हम बीजों को बचा के रखे हुए भी, लेकिन अगर हमारे बीज रहे भी। बीज बचा आंदोलन तो ये कोशिश कर रहा है कि जो अपने पर्वतीय क्षेत्र में जितने किसान हैं वो ये कह रहे हैं कि जो बीज है यहाँ पर परंपरागत रूप से जो है कुदरती तौर पे जो धरती में खेती में जो उगते आए हैं वो बीज किसान के पास रहने चाहिए, उसके खेत में रहने चाहिए, उसकी मुट्ठी में रहने चाहिए, उनके बीज भंडार में रहने चाहिए। यदि वो बीज जो है मतलब किसान के हाथ से चला जाएगा और एक कंपनियों के पास है, जीन बैंकों के पास है, मल्टीनेशनल के पास चला जाएगा, तो वो अपने ढंग से उस पर जो छेड़छाड़ करेंगे। तो हम भी देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एक स्लोगन है, एक नारा है, एक एक मतलब कहावत है कि पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी ये पहाड़ के काम नहीं आती है, इसको कैसे रोका जाए। तो हम तो ये भी सोच रहे हैं भाई हम बीज बचाएं लेकिन किसके लिए बचाएं, ये भी हम सोच रहे हैं कि जब खेती करने वाले नहीं रहेंगे तो हम बीज किस लिए बचाएंगे। खेती भी ध्यान नहीं है किसी का, अब ये है कि चलो शादी हुई चलो साथ में, शादी हुई छोड़ो घर बार खेती बाड़ी चलो साथ में, अब तो ये हो गया, दुनिया का ये बदलाव आ गया है। पहले थोड़ी था ऐसा, पहले ये था कि रिश्तेदारी वहाँ होती, पहले ये पूछा जाता कि आपके कितने खेत हैं, मकान के बारे में नहीं पूछते, नौकरी के बारे में नहीं पूछते कि आपकी खेती है तो लड़की वहाँ ब्याहेंगे। और आज उल्टा हो रहा है कि भाई तुम्हारे खेत तो नहीं है, अगर खेत हैं तो नहीं तब तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं, लड़का बाहर है बाहर नौकरी करता है तो रिश्तेदारी होगी। तो अपने देश की खेती में जो पहले घा की कविता थी कि उत्तम खेती मध्यम निश्चित चाकरी विघ्नदान, उसका पूरा उलट हो गया जो है। आज तो लोग है कि जो मतलब कि जो लोग जो कारोबार में या बिजनेस में या बाहर विदेश में जा रहे हैं या चाहे होटल इंडस्ट्री में जा रहे हैं पैसा है जो है, खेती में जोत बिखर गई, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, उस पे काम करने वाले को न तो सरकार अच्छा मान रही है न घर परिवार वाले और अच्छा मान रहे थे, इसलिए लगातार खेती पे जो लोगों की दिलचस्पी घट रही जो है। मेरी सुरमा सरेला सुरमा है जई दे जमाई ठेकी सुरमा दे जमाई ठेकी बांडी दिनू बिटीन सुरमा तेरी मुखड़िनी देखी तेरी मुखड़िनी देखी सुरमा तेरी मुखड़िनी देखी। हाँ गांव में बोर हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा, गांव में आने ही में तबीयत नहीं करती क्योंकि गांव में वैसे भी टाइम पास नहीं होता, किधर जाएगा यहाँ से आदमी जाएगा कहाँ। बम्बे में क्या करेगा वो, नौकरी करेगा ना, नौकरी करेगी क्या करेगा वो, मोरी घिसेगा बर्तन मजाएगा ना, बर्तन कौन मजाएगा बम्बई में, अपन जाके मजाएगा ना बर्तन। और घर में खेती क्यों नहीं करता है, घर से घर नहीं करेगा ना खेती, घर में खेती करके क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना, पूरा हो जाता है घर में। और कल को घरवाली लेके आएगा क्या खाएगी, अभी गेहूँ है, गेहूँ से कितने हो गए, कुछ चूहों ने खा दिए, बंदर ने खा दिया, कितना रहा अपने लिए, कितना बचा, थोड़ी सी बचा ना, अभी तोड़ दिया हम लोगों ने गेहूँ, अभी काटा तो कितना हुआ, थोड़ी सी तो हुआ ना, वो कितना होगा, एक दफ़ा लेके आएगा हम पिसा के लेके आएगा तो कितने दिन चलेगा आटा, एक ही महीना चलेगा ना, एक महीना काम चलेगा, कम ही तो चलेगा, तो उससे क्या होगा। और बाहर तो ऐसा है कि अपना नहीं तो अपना पगार अच्छी नहीं है तो खाना तो मिल रहा अच्छा, सोच तो नहीं है ना, टेंशन तो नहीं है अपना, वही है बाहर। और घर में तो कभी खाना नहीं है तो कभी कुछ नहीं है तो टेंशन ही 24 घंटे टेंशन ही रहता है, ऐसा तो है नहीं। एक तो घर में माँ बाप बोलते हैं भविष्य बर्बाद हो रहे है, बोलते लड़के का बाहर भेजो उसको, घर में मत रखो, मेन प्रॉब्लम है इसीलिए।
कोई भी देखो ना, किधर भी जाओ ना, वो भी किधर ही बोलेगा। तो मैं भी जैसे अभी घर आया ना, बहुत सारे मेरे पीछे मेरे लड़के को लेके जाओ अपने साथ, उसका भविष्य बर्बाद हो गया। चाहे वो पढ़ाई कर रहे, लिखाई कर रहे, सब काम कर रहे, पर फिर भी उसका भविष्य बर्बाद हो रहा है, बोलता उसको लेके जाओ बाहर। आप पूरे पहाड़ की स्थिति देखिए, हिमाचल से लेके, गढ़वाल से लेके, कुमाऊँ से लेके, तो कोई अपनी पीढ़ी को ये नहीं कह रहा है आगे नई पीढ़ी को कि आपको खेती भी करनी चाहिए, कतई नहीं। मजबूरी मेरे बहुत है, मैं बाहर नहीं जाने के मैं चाहता हूँ। अभी घर में ऐसा मजबूरी हो गई, घर में कोई रहने वाला नहीं है, घर वाले अकेले रहते, इसलिए मेरा मजबूरी मेरा बहुत है। पर मजबूरी कि अभी क्या करेगा, पैसे चाहिए ना, घर में पैसे कहाँ से आएगा, बाहर तो जाना पड़ेगा, इसीलिए। और कौन से उसने हमें थोड़ा करने है नौकरी, बाद में तो यहाँ ही आना है ना, ये तो अपनी जन्म भूमि है, ये थोड़ा छोड़ सकता है कोई, है ना। वो तो तभी तक है जब तक गड्डी चल रही है ना, है जब ऐसे अपने बच्चों को कोई नहीं समझते कि मेरे साथ न रहे, अब मेरे सामने न रहे, ऐसा तो कोई नहीं है, सब चाहते हैं कि मेरे साथ रहे। आखिर में रहेगी तो खेती, अब नौकरी तो नौकरी ही है, आखिर में तो खेती तो करना ही पड़ेगी। सब बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, वो बाहर यहाँ वापस आके तो खेती तो कर नहीं सकेंगे। अगर बच्चे नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जब पेट के लिए नहीं होगा तो करेंगे। अगर हाँ कहीं, अगर कहीं नौकरी पे फंस गया, कहीं अच्छी नौकरी मिल गई, तब तो खैर नहीं कर सकते। लेकिन जब नौकरी नहीं लगेगी तो फिर यहीं तो आना है उन्होंने, हैं, चाहे कैसे भी, फिर जन्म भूमि तो यहीं है। सबने पक्के मकान बना लिए ना, मैं नहीं बनाती, मेरे आगे कोई बेटा बेटा तो है नहीं, बेटी है, अपने अपने घरों में है, क्या करूं पक्का मकान बना के, मेरे लिए ये बहुत है। आज के साल के और कल के साल तो बुढ़ा चला जाएगा, फिर 2-3 साल के बाद मैं चले जाऊंगी, तो क्या करना है, किसके लिए बनाना है पक्का मकान, ठीक है मेरे लिए ये झोपड़ी। अब जो रहेगा वो पक्का बनाए, वो कच्चा बनाए, वो इसी को तोड़े। बड़वा लिया है, ये बड़वा लड़की की छोटी लड़की है, ये उसका आदमी है, अरे छोटी वाली है।
एक सर्दी हमने इसके साथ काटी, एक सर्दी हमने इसके साथ काटी, अब हम घर में हैं। बाजा को बुरा दुनोने बाप नाए, मदन कम्यादा नोने बाप नाए, क्या तेरू जीरा दुनोने बाप नाए, मदन कम्यादा नोने बाप नाए, क्या तेरू जीरा दुनोने बाप नाए, जांगोरू बते गे नोने बाप नाए, जांगोरू बती नौनी बाप नाय, तेरी मेरी तस्वीरा नौनी बाप नाय, छापा मछापी नौनी बाप नाय, तेरी मेरी तस्वीरा नौनी बाप नाय, छापा मछापी नौनी बाप नाय, बाजा को बुरा दुनौनी बाप नाय, बाजा को बुरा दुनौने बाप नाए, मदन कम्यादा नौने बाप नाए, क्या तेरू जीरा दुनौने बाप नाए, मदन कम्यादा नौने बाप नाए, क्या तेरू जीरा दुनौने बाप नाए, जांगोरू बते गे नौने बाप नाए, जांगोरू बापी नौनी बाप नाय, तेरी मेरी तस्वीरा नौनी बाप नाय, छापा मछापी नौनी बाप नाय, तेरी मेरी तस्वीरा नौनी बाप नाय, छापा मछापी नौनी बाप नाय।